हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th रिजल्ट के ऊपर। चाहे वो ओपन के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट की मैं बात करने वाला हूँ। 10th और 12th क्लास के हर एक स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो में सबसे पहले रिजल्ट को लेकर आ रही एक भयंकर अपडेट से आपका सामना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर कि भाई रिजल्ट को लेकर अब की बार की क्या रिपोर्ट्स हैं और रिजल्ट को लेकर हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन साहब का क्या कहना है। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट 10th और 12th के हैं और जिनके पास टैबलेट है, उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है कि उनका रिजल्ट भी रुक सकता है। क्यों रुक सकता है मैं नहीं कह रहा, खुद देखिए न्यूज़। टैबलेट न लौटाने पर रोका जाएगा परिणाम, नए स्तर से ई लर्निंग के लिए दिए जाएंगे टैबलेट व डेटा सिम कार्ड। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अगर टैबलेट जमा नहीं करवाते, नहीं लौटाते, तो उनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा और जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको अब टैबलेट बांटे जाएंगे। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप टैबलेट जमा नहीं करवाते हैं तो आपका रिजल्ट भी रुक सकता है 10th और 12th बोर्ड का। इन्होंने जो है क्या किया है, बोर्ड से कॉन्टैक्ट कर लिया है और बोर्ड को लिस्ट दे दी है कि भाई जिन स्टूडेंट्स का जो है टैबलेट जमा नहीं होता, उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका जाए। देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा ई अधिगम योजना के तहत 10वीं से 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए बांटे गए टैबलेट व डेटा सिम वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होने से पहले पहले विद्यार्थी को टैब वापस जमा करवाने होंगे। विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो बोर्ड उनका परीक्षा परिणाम जारी नहीं करेगा, यानी कि रिजल्ट जारी नहीं करेगा और ना ही कहीं ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। कभी सोचो डिजी लॉकर पे आ जाएगा, नहीं। आगे जो है बताया गया है कि भाई कितने बच्चों के पास टैबलेट वगैरह हैं, तो यह पढ़ लेना। आगे ये देखो, ये यहाँ पर मेन है कि भाई यदि कोई टैबलेट नहीं लौटाता तो उसका क्या होगा। यानी कि कोई कहे कि भाई मैं तो नहीं दूंगा वापस, तो देखिए यदि कोई बच्चा टैब सिम व अन्य मिला हुआ सामान वापस जमा नहीं करवाता तो उसका परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा रोक दिया जाएगा। यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी सिम डीएक्टिवेट के लिए अप्लाई नहीं करेगा, विभाग स्वयं यह प्रक्रिया करेगा। यदि गलती से फिर भी परिणाम जारी हो जाता है तो स्कूल प्रभारी ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डीएमसी, करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। यानी कि पहली बात तो रिजल्ट ही जारी नहीं होगा, और अगर रिजल्ट जारी हो भी गया, तुमने कैसे भी करवा भी लिया, तो फिर तुम्हारी डीएमसी स्कूल नहीं देगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखें भाई, जिनको भी टैबलेट मिले हुए हैं अब वो टैबलेट आपको दूर करने का टाइम आ गया है, अब ब्रेकअप का टाइम आ गया है, तो अब उन टैबलेट्स को आपको वापस लौटाना पड़ेगा। दूसरी अपडेट हम बात करते हैं अब रिजल्ट के बारे में, ये साइड हटाते हैं। रिजल्ट को लेकर जो मैंने एनालिसिस किया है, एक यहाँ पर मैंने जो है बोर्ड चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी मैं सुन के आया हूँ, तो कम्प्लीटली उन्होंने बोल दिया है कि अब की बार जो रिजल्ट है 10th क्लास का रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा। कम्प्लीटली बोल दिया है, 12th क्लास के बारे में उन्होंने नहीं बोला। लेकिन हम तो समझ जाते हैं कि भाई एनालिसिस जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक रह सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ, आपका जो यहाँ पर कॉपी चेकिंग का काम है वो भी अब स्टार्ट होने वाला है। आपके यहाँ पर 2-3 एग्जाम हो चुके हैं तो अब कॉपी चेकिंग का काम हरियाणा बोर्ड स्टार्ट करने वाला है। हरियाणा बोर्ड ने इसके लिए तैयारियाँ कर ली हैं। क्या तैयारियाँ की है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक नोटिस निकाला कि यहाँ पर सेंटर पे जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की कॉपियाँ अलग अलग जारी की जाएं, यानी कि बोर्ड में अलग अलग भेजी जाएं। ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पर चेकिंग जो है कंप्यूटर पे होगी, तो कंप्यूटर को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर है आपको पता है अपडेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो है आपने मीडियम तो लिखा होगा, लिखा है ना सबने अपना अपना मीडियम, क्योंकि अगर मीडियम में गलती हो गई तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मीडियम जो है वो यहाँ पर अलग अलग कॉपी भेजने के लिए बोर्ड ने कह दिया है। दूसरा जो है, बोर्ड ने 132 इवैल्यूएशन सेंटर्स बना लिए हैं, यानी कि 132 जगह पर जो है आपकी कॉपी चेकिंग का काम चलने वाला है, और स्कैनर्स जो हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं, और आपकी सबसे पहले जो कॉपीज़ हैं उनको स्कैन किया जाएगा, उसके बाद उन कॉपीज़ को जो है चेकिंग के लिए सॉफ्टवेयर पर अपलोड करके इवैल्यूएशन सेंटर्स पर भेज दिया जाएगा। अब आपका जो रिजल्ट है उसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अब की बार का जो रिजल्ट है वो आपको पता है कि 10th क्लास में न्यू पास फॉर्मूला है, तो उसके हिसाब से बनाया जाएगा, तो उसके अंदर भी अलग प्रोसेस रहेगी। इसके अलावा 12th क्लास जो है उसका ओल्ड पास फॉर्मूला है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। तो कंप्यूटर पे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है अपडेटेड जो है उनको देखने के बावजूद यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। यानी कि अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो अब 3 या 4 मार्च से जो है चेकिंग होनी स्टार्ट हो रही है, और जो चेकिंग होगी उसकी पल पल की रिपोर्ट्स जो है मैं आपको देने वाला हूँ। अगर चाहिए तो कमेंट कर दो, और नहीं चाहिए तो भी कमेंट करके बता देना, जैसा तुम लोग कहोगे वैसा करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम्हें जो है डिस्टर्ब करूँ एग्ज़ाम्स के बीच। तो जो जितने ज़्यादा कमेंट करेगा कि भाई करनी है अपलोड वीडियो या नहीं करनी, तो कमेंट करके बता देना, मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ ये बात। तो ये अपडेट ज़रूरी थी कि भाई यहाँ पर जो रिज़ल्ट है
वो अगर आपने टैबलेट जमा नहीं करवाए तो रोका जा सकता है, इसलिए जो है अपने टैबलेट अब संभाल लीजिए क्योंकि अब वो वापस कर रहे हैं। दूसरा, रिजल्ट को लेकर भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई रिजल्ट को लेकर अब हरियाणा बोर्ड ने कमर कस ली है, हरियाणा बोर्ड जो है काम में जुट गया है। आप लोग खुद सुन लीजिए हरियाणा बोर्ड चेयरमैन साहब ने क्या कहा है, छोटी सी क्लिप है, सुनिए फिर आगे बात करते हैं। सिटीज को फ्री रखा है और क्योंकि डिजिटल मार्किंग इस बार शुरू होगी तो एग्जामिनेशन शुरू होने के 4-5 दिन के अंदर ही अंदर बुलेटिन शुरू हो जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो सुना आपने, हरियाणा बोर्ड जो है अब की बार जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर जो है सारे के सारे काम जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। यानी कि अब आप एक तरफ एग्जाम दे रहे होंगे और दूसरी तरफ आपका रिजल्ट बन रहा होगा, जो आपने पहले एग्जाम दे दिए उनकी कॉपी चेकिंग चल रही होगी। और कॉपी चेकिंग के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो भी बना दी थी, अगर तुमने नहीं देखी है तो वो भी तुम देख सकते हो। तो यार कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि अब की बार के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर जो डिजिटल मार्किंग है वो यहाँ पर अलग से हो रही है, तो उसके हिसाब से आप अपने सारे आगे आने वाले एग्जाम भी जो हैं उसी के हिसाब से लिख के आएँ। और उसके ऊपर भी वीडियो है, वही वीडियो है दोनों, उसमें दोनों बातें बताई हैं कि भाई चेकिंग कैसे होगी और स्टूडेंट्स को कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो और इनपुट समय मिल पा रहे हैं। तो ओवरऑल यही है सिनेरियो कि आप लोग जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखो ताकि आपको जो है रिजल्ट के अंदर कोई दिक्कत ना आए, वरना भाई वही बात रहेगी, रिजल्ट आएगा तब कहोगे कि भाई मैं तो पूरा करके आया था, ये कितने नंबर आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डिजिटल मार्किंग जो है उसके हिसाब से ही अपने पेपर को किया करो। और पेपरों के लिए मैंने आपको बता ही रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड पीडीएफ है, तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हो। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पल पल की रिपोर्ट्स की जो अपडेट है रिजल्ट के बारे में वो चाहिए या फिर रिजल्ट की बात हम सारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद ही करें। जैसा तुम लोग कहोगे वैसा ही करूँगा, मैं जो है तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता, तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।